फिर से देख लो इसे पूरी। मैथमेटिक्स है बस, थोड़ी सी और कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। दो सेल है आपके, एक सेल ये जिसका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, E1 R1। दूसरा एक सेल और है, इसका अपना ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका अपना R2। दोनों को आपने पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में जोड़ने का मीनिंग होता है कि आपने पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ जोड़ दी, नेगेटिव प्लेट्स एक साथ जोड़ दी, और ये जो छोटा स्मॉल आर बना हुआ है ये एक्चुअली सेल के अंदर का होता है। तो नेगेटिव प्लेट के, ये मत सोचो कि नेगेटिव प्लेट जोड़ने के लिए बीच में रेजिस्टेंस डाल दिया, ये तो रेजिस्टेंस सेल के अंदर का है, कन्वीनियंटली से बनाते बाहर। फिर उसके बाद क्या करा आपने, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से इस पूरे को जोड़ दिया, ये कैपिटल आर। अब क्या हुआ देखो, सेल E1 से एक करंट चली I1, सेल E2 से एक और करंट चली I2, और ये दोनों करंट यहाँ मिल गए। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितनी है, I1 + I2, एक्सटर्नल सर्किट में करंट है I1 + I2, और ये करंट फिर से चली यहाँ पहुंची, जहां से I2 आई थी वहां I2 चली जाएगी, ये जहां से I1 आई थी जिस सेल से, इसमें ये I1 चली जाएगी, और इस पूरे कॉम्बिनेशन का नेट पोटेंशियल डिफरेंस, पूरे कॉम्बिनेशन का नेट पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V। ठीक है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, E2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, E1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V सेम है, क्योंकि सारे पैरेलल मारे एक दूसरे के साथ। तो अब यहाँ देखते हैं ध्यान से, फॉर फर्स्ट सेल, पहले सेल के लिए क्या बनेगा देखो, V इक्वल्स E1 - I1 R1। ठीक है, V इक्वल्स E माइनस IR होता फर्स्ट सेल के लिए, E1 I1 और R1। E1 इसका EMF है, I1 करंट है, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहां से अगर आप I1 फाइंड करो, तो देखो ध्यान से, मैं इधर ले रहा हूँ I1 R R1 = E1 - V, और यहाँ से आपको I1 मिलेगा कितना, E1 - V / R1। ये पहले सेल के लिए हो गया, और इसी तरह से सेकंड सेल के लिए, और सेकंड सेल सीधा सीधा लिख दो, I2 = क्या बनेगा, E2 - V / R2। पहले सेल और दूसरे सेल दोनों के लिए ये आंसर आ गया। अब पूरे सर्किट में टोटल करंट है I1 + I2। टोटल करंट, I = I1 + I2। तो I = I1 कितना है, I1 है E1 - V / R1, I2 कितना है, E2 - V / R2। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को मैं R1 R2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो I के साथ आ गया R1 R2, यहाँ मैंने इस पूरे में R1 R2 से मल्टीप्लाई करा, तो E1 - V के साथ आ गया कितना, R2, R1 खत्म हो गया। यहाँ R1 R2 से मल्टीप्लाई करा, तो E2 - V के साथ मल्टीप्लाई में आ गया R1। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, E1 R2 - V R2 + E2 R1 - V R1। इसमें से E1 E2 एक साथ ले लिया मैंने, E1 R2 + E2 R1, और बाकी दो जो V वाली फिगर्स बची इसमें मैंने V कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर R1 + R2 बन जाएगा, R1 + R2। और इधर क्या चल रहा है आपका, I * R1 R2। ठीक है, अब इस पूरी निगेटिव वैल्यू को तो मैं V को इधर ले आ रहा हूँ और I को उधर ले ले रहा हूँ,
वी इज इक्वल टू हो गया ई वन आर टू माइनस ई टू आर वन, और ये पूरा फिगर वी के साथ में आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाई में हमने बोला, और ये पूरा आई उधर चला गया, तो आई आर वन आर टू, करेक्ट। पूरी इक्वेशन को आर वन प्लस आर टू से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो वी इज इक्वल टू बन जाएगा ई वन आर टू माइनस ई टू आर वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू माइनस आई आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, ठीक है। ये इक्वेशन बनी। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना। फिर से मैं मार्केट गया, दुकानदार से कहा भी मुझे दो दो सेल लगाने पड़ रहे हैं पैरल में, कोई मुझे एक जुगाड़ ऐसा दे दो, कोई एक ऐसा सेल दे दो जिसको अकेले, जो अकेले वही काम कर जाए जो काम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, जो अकेले में वही काम करे जो काम आई ई वन ई टू ने एक दूसरे के साथ पैरेलल में करा। मतलब क्या हुआ, ये टोटल करंट को मैं लिख रहा हूँ ये आई, टोटल करंट को मैं लिख रहा हूँ ये आई, मतलब ये कि एक सेल ऐसा ढूंढा मैंने जिसके साथ कैपिटल आर लगाने पर इसमें भी करंट कितनी फ्लो हो, आई करंट फ्लो हो जाए। तो ये एक सेल है, ये एक सिंगल सेल, सिंगल सेल जिसका अपना ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और जब मैंने इसे जोड़ा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के साथ, तो इसने भी उतनी ही करंट इस्टेब्लिश करा दी आई वन प्लस आई टू के बराबर, आई इजिकल टू आई वन प्लस आई टू के बराबर, जितनी करंट इन दोनों ने एक साथ पैरेलल में आकर इसमें कराई थी। तो इसके अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना बन गया पोटेंशियल डिफरेंस, वी वी पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। तो इस एक सेल के लिए मैं लिखूंगा, इस एक सेल के लिए फॉर इक्विवेलेंट सेल। इक्विवेलेंट वर्ड हमेशा हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी कॉम्बिनेशन को हटा करके एक चीज लगानी होती है, तो हम कहते हैं कि ये अकेला इस पूरे के बराबर है, ये अकेला इसके इक्विवेलेंट है। ये दो मजदूर हैं पतले दुबले से, ये एक है आपके घर में काम करने वाला हट्टा कट्टा, इस अकेले ने वही काम करा जो काम इन दोनों ने मिलकर किया था, तो ये आपका एक आदमी इन दोनों आदमियों के इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो इक्विवेलेंट सेल के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो वी इज इक्वल टू बनेगी क्या, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, जहाँ वी टर्मिनल वोल्टेज है, ई ई एम एफ है, आई करंट है, और आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से देखना, अब कि मैं इसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन को मैं इक्विवेलेंट सेल के लिए यहाँ ला रहा हूँ, फॉर इक्विवेलेंट सेल वी इक्वल्स ई माइनस आई इंटू आर। तो इक्विवेलेंट के लिए देखिए, ये इक्विवेलेंट सेल से वोल्टेज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये कॉम्बिनेशन से पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम है, ये इक्विवेलेंट सेल से करंट, ये कॉम्बिनेशन से करंट। मैं कैसा सेल लेकर आया, मैं सेल ऐसा लेकर आया जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में लाकर मुझे एक्सटर्नल वोल्टेज मिले वी और करंट मिले आई, उतनी ही जितनी मिल रही थी कॉम्बिनेशन से। तो इक्विवेलेंट सेल का जो ईएमएफ है वो आपके कॉम्बिनेशन के इसके इक्वल है, और जो इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपके कॉम्बिनेशन के इसके इक्वल है। पता चल रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका को क्या हो गया, ये आपका हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो यहां से जब आपने दोनों को कंपेयर किया, ई इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ईएमएफ, नेट ईएमएफ हुआ आई वन आर टू माइनस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, ठीक है। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या बन रहा है, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये बन गई आपकी इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये बना आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ
और ये बना इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस समझे। अब ये ईएमएफ है, नेट ईएमएफ, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो करंट कितनी होगी, आई इज इक्वल्स टू नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आई इज इक्वल्स टू नेट ईएमएफ कितना है आपका, नेट ईएमएफ ये रहा पूरा, E1 R2 प्लस E2 R1 कितना है, E1 R2 प्लस E2 R1 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का बना, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब इसमें से मैं ले लेता हूँ R1 प्लस R2 एलसीएम ले लूंगा, यहाँ R1 प्लस R2 जब एलसीएम ले लिया ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके साथ आ जाएगा R1 प्लस R2, तो E1 R2 प्लस E2 R1 होल डिवाइडेड बाय कैपिटल R के साथ में R1 प्लस R2 और अलग से R1 R2, ये आपका बन गया नेट करंट, ये बन गई नेट करंट। और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू I इंटू R, V कितना है फाइंड करना है, I कितनी है ये रही, I कितनी है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय कैपिटल R R1 प्लस R2 प्लस R1 R2। ये तो I है, इसको कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास निकल कर आ गया टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, पूरी बैटरी का इक्विवेलेंट टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का एक और फॉर्मूला है, ये रहा टर्मिनल वोल्टेज का, ये भी फॉर्मूला है, फाइंड ही हमने टर्मिनल वोल्टेज करा, लेकिन ध्यान से देखिए कि इस टर्मिनल वोल्टेज के फॉर्मूले में कैपिटल आर नहीं है कहीं भी, E1 E2 I1 और R1 R2 के रूप में है ये, और यहाँ देखें तो यहाँ इसमें कैपिटल आर भी आ जाता है नेट वोल्टेज में, यहाँ भी कैपिटल आर आ गया और यहाँ भी कैपिटल आर आ गया। अब बात क्लियर हुई है, सेम क्यों रखे ये समझ नहीं आ रहा। सेम क्यों रखा, जबकि अनआइडेंटिकल सेल है ये, सेम इसलिए रखा हुआ है, देखो ध्यान से, आप बहुत सर ध्यान से समझना, टर्मिनल वोल्टेज दोनों के सेम क्यों है, मैं इस पॉइंट को बना रहा हूँ ए, इस पॉइंट को बना रहा हूँ बी, ठीक है, ध्यान से आप, ई1 कहाँ जुड़ा हुआ है, ई1 का एक सिरा ए से जुड़ा हुआ, दूसरा सिरा बी से जुड़ा हुआ है, E2 का कहाँ जुड़ा हुआ, एक सिरा ए से जुड़ा हुआ, दूसरा सिरा बी से जुड़ा हुआ है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज है E1 का, वही टर्मिनल वोल्टेज है E2 का। इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पर झोल है, आपका कंफ्यूजन समझ रहा हूँ मैं, कि टर्मिनल वोल्टेज दोनों का इक्वल क्यों होता है, जबकि जैसे कि आपकी ही प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ अपने रूप में। एक सेल है, ये सेल आपका 4 वोल्ट का है, सपोज मोबाइल की बैटरी निकाल ली, लगभग 4 वोल्ट होते हैं, 3.7 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0.1 ओम है। एक दूसरा सेल आपने लगा दिया पेंसिल सेल, जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका अपना है, इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज 2 ओम है। अब आपने सेल यू लगा दिए और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जला दिया, बल्ब जला दिया, तो बल्ब को कितना वोल्ट मिलेगा, इस बल्ब को ना 4 वोल्ट मिलेगा ना 1.5 वोल्ट मिलेगा, इसे कुछ और ही मिलेगा, कितना मिलेगा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, कितना वोल्टेज मिलेगा, हाँ इसे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, लेकिन एक्चुअली होगा क्या, अभी तो हमने दोनों करंट क्या कही थी कि एक सेल से करंट गई I2, एक सेल से करंट गई I1 और यहाँ मिलकर हो गई कितनी I1 प्लस I2, लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है, प्रैक्टिकली होता यह है कि जो बड़े वाला सेल है
जिसका ईएमएफ लार्जर है वो छोटे वाले सेल में भी करंट भेजने लगता है और वो एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट भेजता है। छोटे वाले सेल में भी करंट उल्टा, कम ईएमएफ वाले सेल में भी इससे करंट मिलती नहीं है बल्कि हमें इससे इसमें करंट उल्टी जाने लगती है, यानी कि ये अंडर चार्ज कंडीशन हो जाता है, ऐसा हो जाता है जैसे आप चार्जिंग कर रहे हैं, और यही सेल फिर एक्सटर्नल सेल सर्किट में भेजता है। एक्चुअली सर्किट में काम करता है केवल एक सेल, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसका, ये दूसरा तो सेल काम ही नहीं करता, ये दूसरा सेल सेल का काम नहीं करता, ये दूसरा सेल भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह से काम कर जाता है अक्सर केस में। दोनों बातों पर डिपेंड है कि इनके ईएमएफ कितने डिफरेंस है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस कितने डिफरेंस है। तो सेल में, जब सर्किट में सेल एक ही सोर्स काम कर रहा है, ये सोर्स की तरह काम ही नहीं कर रहा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सबके पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं, वी है, सभी के पोटेंशियल डिफरेंस वी है, क्योंकि सोर्स है एनर्जी का सिर्फ एक सेल और दूसरा सेल तो उस एनर्जी को लेकर के खुद अपने आप को चार्ज करना शुरू कर देता है। बड़े वाले ईएमएफ का सेल छोटे वाले सेल को चार्ज करना शुरू कर देता है। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है आपकी, तो कोई बात नहीं, मैं इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा कि दो डिफरेंट ईएमएफ वाले सेल को एक साथ पैरेलल में जोड़ दें तो इनका दोनों का टर्मिनल वोल्टेज और जो एक्सटर्नल सर्किट आपने लगाया उसका भी वोल्टेज सबके सेम होते हैं। कारण कारण यही है कि एक ही सेल काम करता है इसमें एक्चुअली, ये वाला तो सेल काम ही नहीं करता, ये तो ईएमएफ छोटा पड़ गया। ये कैसे भाई, इसकी तो ईएमएफ है, इसकी फोर्स है 1.5, इसकी फोर्स है 4, तो 4 से घट करके यहाँ पर फोर्स रह जाती है 1.5, 4 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट है तो 2.5 रह जाती है। फिर यही डोमिनेट कर रही है, जो डोमिनेट कर देता है वही डिसाइड करता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आना है। तो इसका अपना भी टर्मिनल वोल्टेज, दूसरे वाले का टर्मिनल वोल्टेज भी, और एक्सटर्नल सर्किट का वोल्टेज, सब के सब ये बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। कुछ थोड़ी बहुत बात समझ आई? मेरे बराबर में असीम खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी 1.5 वोल्ट लगाया क्यों आपने जब ये काम नहीं कर रहा, उल्टा और चार्ज हो रहा है, इस छोटी वाली बैटरी बड़ी वाली बैटरी से उल्टा ही चार्ज हो रहा है, तो इसे लगा ही क्यों रखा। बिल्कुल सही बात है, इसे लगाना कोई फायदेमंद है ही नहीं। ये हम कॉम्बिनेशन तब यूज करते हैं जब हमें एक रिक्वायर्ड टर्मिनल वोल्टेज लेना है, तो E1, E2 और कैपिटल R की वैल्यू सेट करके हम रिक्वायर्ड टर्मिनल वोल्टेज यहाँ से ले सकते हैं। इससे EMF भी इंक्रीज हो जाता है। देखो ध्यान से, EMF इंक्रीज हो गया क्योंकि E1 R2 + E2 R1 है, ये टोटल प्लस है भाई, ये प्लस है, प्लस है, प्लस माइनस नहीं है, मैंने यहाँ माइनस लगा दिए, तो ईएमएफ भी इंक्रीज हो जाता है और इससे इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, दोनों काम हो जाते हैं इससे। जो ओवरऑल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इसका अकेले को लगाते तो 0.1 ओम होता, अब दोनों को पैरेलल में लगाया तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम से भी नीचे चला जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी घटा देते हैं इससे और ईएमएफ भी बढ़ जाता है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया है, अगर आपका 4 वोल्ट और दूसरे वाला ये 4 वोल्ट ना होकर 3 वोल्ट हो, तो फिर दोनों के दोनों ही सर्किट में करंट को भेजने लगते हैं, लेकिन इफेक्टिव कौन रहता है, जो जिसका ईएमएफ बड़ा है और इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है, दोनों ही बातों पर डिपेंड करता है। अगर ये ईएमएफ बड़ा वाला के इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम होता तो ये इफेक्टिव बन जाता, अब ये इफेक्टिव बन जाता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपना कम है, दोनों ही फैक्टर पर डिपेंड है, ईएमएफ पर भी और इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी। ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली बहुत कम यूज किया जाता है, बहुत ही रेयर चांस ऐसे होते हैं किसी सर्किट में दो अनआइडेंटिकल सेल को पैरेलल में लगाया जाए। अनआइडेंटिकल सेल को पैरेलल में लगाने में यही समस्या है कि एक चार्ज, एक सेल और ज्यादा डिस्चार्ज, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसे एक्सटर्नल सर्किट को भी संभालना है और इसे दूसरे वाले सेल को चार्ज भी करना है, बहुत कम यूज होता है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले यूज करा था ये प्रैक्टिकल सर्किट, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी जो है डाउन पड़ी थी, बहुत सारे कई महीने से चार्ज नहीं हुई थी, मोबाइल की बैटरी मेरी डाउन पड़ी थी, तो मैंने उसे एक दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर लिया और इस बैटरी ने इसे चार्ज कर दिया, ये अनइक्वल ईएमएफ वाले का हो गया था। एक्सटर्नल सर्किट में मैंने छोटा सा बस एक LED लगा दिया था देखने के लिए कि क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा, बहुत रेयर यूज होता है इसका।